फ्रेंड्स, आज मैं ये सोचती हूँ, बेशक मेरे पापा इस दुनिया में होते, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए था अपने पापा से, ना कोई गिफ्ट ना कुछ नहीं। उनका साथ और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहता, तो बस मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके बगैर तो लाइफ को जीना बेकार ही है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, आज सुबह ना मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि आज मुझे अपन पापा के बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। क्योंकि वो जब भी मेरा जन्मदिन होता था तो मेरे को बहुत प्यार देते थे, बहुत सारे आशीर्वाद देते थे। और वो चाहे मतलब जैसे होता है ना, भी गिफ्ट भी कुछ छोटी ही हो जाए और ज़रूर दे देते थे मुझे। मुझे वैसे होता था भी, पता नहीं आज देना होगा कुछ पापा ने, मेरे मम्मी ने, ऐसा मतलब। वो सब लड़कियों को अपना फील होता ही है, चाहे दुनिया कुछ भी ना दे, पर माँ बापों से तो बहुत ही आसरा होता है और उम्मीदें होती है। और अब वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें मेरे बीच में है। और मैं हर एक जन्म में यही बोलूँगी कि मैं, कोई सा भी जन्म हो मेरा, कोई सी जून मुझे मिले, पर मैं यही बोलूँगी भी हर एक जन्म में मेरे को वही पापा में चाहिए, क्योंकि उनकी तरह कोई भी नहीं हो सकता। चलो मैं ये नहीं बोलती भी नहीं हो सकता तो होगा, पर जितना उन्होंने मेरे लिए किया है ना, मतलब मेरे लिए कोई नहीं कर सकता। एक उनके बगैर तो सिर्फ मैं अनाथ जैसी होगी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को बहुत बहुत ज़्यादा शांति मिले हमेशा। वो कोई भी उनको परेशानी ना हो आगे, जैसी भी कोई भी उनको जून मिली होगी ना, बस अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी काट रहे होने, चाहे कोई सी भी जून नहीं होनी उनको। और मैं दुआ करती हूँ भगवान से भी, भगवान जैसे भी होंगे वो अच्छे होंगे, हमारे बीच में भी नहीं है पर कोई बात नहीं। इस ज़िंदगी में जो कोई आया है उसने तो जाना ही है, कर क्या सकते हैं, पर ये यही सच्चा रास्ता होता है और सभी ने इस दुनिया से जाना है। पर मैं ये बोलती हूँ भी बस उनको अच्छी जगह मिलनी चाहिए आगे से आगे। और जो भी कोई इस दुनिया से जाता है ना, उनको सभी के लिए अच्छी जून मिलनी चाहिए। पता नहीं कितने लाखों बाद इंसान की जून नहीं मिलती है, हम कैसे कैसे जीते हैं। तो मैं यही बोलती हूँ, अच्छे से रहना चाहिए, किसी से कोई जेलसी नहीं करनी चाहिए, कोई कुछ भी नहीं करना चाहिए। और आप सभी के लिए मैं हमेशा यही दुआ करती रहती हूँ भी, आदमी जहाँ मर्जी रहे, चाहे गरीबी में रहे, जैसे मर्जी रहे, पर खुशी खुश रहे भाई। ये चलो मेरे जो मन में होता है मैं बोल देती हूँ, और मुझे माफ़ करना अगर आपको मेरी कोई बातें बुरी लगती हो, तो प्लीज़ कोई माफ़ मुझे माफ़ करना। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजी मोम सोलन। और फ्रेंड्स, धीरे धीरे बोलती हूँ क्योंकि यहाँ चारों तरफ को सुनाया जाता है और लोग मतलब बातें बनाते हैं, हंसते मजाक बनाते हैं कि पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है अपने आप ही अकेले में। और फ्रेंड्स, आज 12 अगस्त है, मेरा जन्मदिन भी। हैप्पी बर्थडे टू मी। और फ्रेंड्स, अभी मैं 10 बज चुके हैं, नहा के आ गई हूँ और कमरे की साफ़ सफाई कर ली है। ये आटा भी गूंदूंगी मैं और चपातियाँ बनानी है अभी। और ये रख दिया मैंने, लाइट चलेगी फ्रेंड्स, ये मैंने तड़का रख दिया है। और ये चावल है और ये मैंने यहाँ पे काले चने बनाए हैं, आधे इसको मैं चाट बनाऊंगी और आधे मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। और राजीव बैठ गया हुआ है आज दिहाड़ी पे, इसको स्कूल से, मेरी गलती रही, मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। और ये दिहाड़ी पे बैठा हुआ, पर्दे क्यों नहीं खोले हुए, हवा नहीं लगनी चाहिए तेरे को, पर्दे का राजा है ये, पर्दे का राजा है। और बैठ लगा हुआ गेम खेलने, एक बार देख देख देख। और फ्रेंड्स, अभी मैं तड़का लगा लेती हूँ, काले चने बनाए हैं। और मेरे जिन जिन जिन्होंने मुझे विश किया है उनको थैंक यू सो मच, मेरी मम्मी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए और छोटा बेटा और एक साई भाई है, उन्होंने विश की भेजा है मुझे कम्युनिटी पे। और एक मेरी फ्रेंड है व्हाट्सएप पे, उसने भी मुझे लिस्ट भेज दिया है। और थैंक यू सो मच आप सभी का। और फ्रेंड्स, अब लाइट आ गई है, चल मैं तड़का लगा लेती हूँ अब, और फिर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट।
और बाकी खास कुछ है नहीं मेरे बर्थडे के लिए। कोई दिल तो है, दिल दिल का इतबार क्या कीजिए, आ गया किसी पे क्या कीजिए, आ गया किसी पे क्या कीजिए। फ्रेंड्स मैंने डाल दिया जीरा और गैस बंद कर दी थी मैंने, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मेरे लहसुन जो मैंने कल परसों इसके छिलके निकाले थे वो वाला, और धनिया। और वो बीच बीच में ब्लर हो रहा है मेरा कैमरा पता नहीं क्यों। और लहसुन धनिया भी डाल दिया फ्रेंड्स मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी क्योंकि प्याज नहीं है, और ये होगी देगी मिर्च, और ये हो गया नमक, और ये हो गया फिर से धनिया। और फ्रेंड्स चार तरफ के छिट्टे पड़ गए हैं सारे चने के कुकर से, और बिना प्याज का तड़का लग रहा है आज। और अब मैं सोच रही हूँ ज़्यादातर अब प्याज मैंने बंद ही कर देने खाने के लिए। अब गया इसमें टमाटर, उधर तड़का हो रहा तैयार, और इधर मैं आटा गूंद लेती हूँ, दोनों काम साथ साथ में हो जाएंगे। और एक तो अकेले ना बहुत मुश्किल होती है, राजीव तो पकड़ता नहीं है फोन कैमरा, और बस अभी 2 मिनट में मैंने के अंदर अंदर देखना, अभी 25 सेकंड हो गए और आटा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आटा भी गूंद लूँगी। यहाँ तड़का भी हो ही गया प्यार, और वहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया, और अब इसमें डालती हूँ चने। और इसमें अब मैं 2-3 उबाल आने देती हूँ उसमें। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं भगवान के नाम का हलवा बना रही हूँ, और भगवान को हलवा चढ़ा दूंगी। तो मैंने इसमें कर दिया है गरम ऑयल, और चावल भी बन चुके हैं और चने भी बन चुके हैं, और अब मैं इसमें सूजी का हलवा बना रही हूँ। थोड़ा सा बना देती हूँ अपने भगवान का नाम जपाने के लिए। हो गया है तैयार हलवा भगवान जी के लिए। ये खाना मांग रहा है, और इसमें चने हैं, और इसमें चावल है, और इसमें हलवा है,
और ये मेरी प्लेट है और ये इसकी है। अभी डाल देती हूँ मैं खाना पहले। फ्रेंड्स मुझे पता ही नहीं है, अभी लोग ना ऐसे साइड में डालती हैं जिसको खाना, और मैं डालती हूँ उसके ऊपर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भी कि साइड में डालना चाहिए कि ऐसे डालना चाहिए। और ये डाल दिया मैंने राजीव का खाना, और ये डाल लूँगी मैं अपने लिए। दिन को तो खा लेती हूँ मैं चावल और रात के टाइम नहीं खाती मैं चावल बिल्कुल भी। और ये हमारे कान्हा जी का हलवा, इसको थोड़ा सा राजीव को दे दूँगी। ये हलवा है फ्रेंड्स, और ये आप सभी के लिए, मेरे जन्मदिन के लिए, आप सभी के लिए खा लीजिए। और बहुत सी दुआ कीजिए मेरे लिए, और बस ज़्यादा दुआ नहीं चाहिए मुझे, बस इतनी सी दुआ चाहिए कि बस मेरा बच्चा खूब पढ़ लिख जाए और ये अच्छी नौकरी में लग जाए, बस इतना चाहिए मुझे। और वहाँ तक पहुँचाने के लिए बस मेरे को ऐसे हिम्मत दीजिए कि बरकत आ जाए मेरे पास, इनकम आ जाए, और बस ये आपके लिए।